रोज रोज खाने में अगर कुछ नया खाने का मन हो तो पालक पनीर बनाना इज मस्ट। तो पालक पनीर ना ये सबकी जान होती है, मतलब किसी को नहीं पसंद होता है पर जब बनाओ ना तब सब चटकारे लेके खाते हैं। तो आज हम पालक पनीर बनाने वाले हैं पर लेकिन बहुत ही अलग तरीके से। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पालक को ना अच्छे से चॉप करके धो लिया है और यहाँ पर एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब उसके अंदर हमने जितनी पालक ली है ना वो सारी डाल देनी है, मतलब आपको जितनी सब्जी बनानी हो ना उतनी सारी पालक को अच्छे से चॉप करके इसके अंदर डाल देना है और इसे बॉईल होने देना है। तो ये ना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमें इसे बॉईल होने देना है करीब 4 से 5 मिनट के लिए। अभी यहाँ पर ना हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और मैंने यहाँ सब्जियाँ ली है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और अदरक है। इन सब्जियों को रफली चॉप कर दीजिएगा, ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना हमने सारी सब्जियाँ, अदरक, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, इन चारों को हमने ले लिया है एक मिक्सर जार में और इसका एक बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट बना देंगे। तो सब्जियों की पेस्ट के साथ हमने जो पालक को बॉईल किया था ना वो ठंडी हो गई है, अब उससे भी हमें एक मिक्सर जार में लेके उसकी बहुत ही अच्छी सी प्यूरी बना लेनी है। तो आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार पालक ले सकते हैं और सब्जियाँ भी अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले लीजिएगा, आपके घर में जितने मेंबर्स हो उतनी क्वांटिटी में आप ले लीजिएगा। तो पालक अगर फ्रेश होगी ना तो उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी लगेगी और फिर अगर 2-3 दिन तक पड़ी रहेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। ये हमारी प्यूरी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे पनीर का एक स्लैब लिया हुआ है और उसका हम छोटे छोटे से डाइस क्यूब कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कोई और शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसे कि लंबा लंबा कट कर सकते हैं या फिर ऐसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। अब पनीर को हमें मैरिनेट करना है तो ये एक ट्विस्ट है। तो सबसे पहले इसके अंदर मिर्ची पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे स्वाद अनुसार। हम इसके अंदर गरम मसाला भी डाल देंगे और अब इसके अंदर ना हमें सब कुछ मिक्स कर देना है, मतलब कि सारे पनीर के जो क्यूब है वो हर तरफ से कोट हो जाए ना तब तक हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब इसके साथ साथ ना हम इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर रहे हैं जो कि है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का जो स्वाद है ना पालक पनीर में वो बहुत ही अमेजिंग आता है और रेस्टोरेंट को बीट करने वाली अगर सब्जी हो तो हम घर पे ही यही पालक पनीर को कह सकते हैं कि ये ज़रूर बीट कर सकती है रेस्टोरेंट वाली सब्जी को। अब एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर ऑयल डाल देना है और जीरा, जीरा तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा इंग्रेडिएंट है, वो डाल दीजिएगा और थोड़ी सी हींग डाल देंगे और उस पर ये दोनों चटक जाए। फिर उसके अंदर हमने जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक की प्यूरी बनाई थी ना वो ऐड कर देनी है और उसे अच्छे से पकने देना है। थोड़ी देर के लिए उसे पकाएंगे जब तक कि एक बहुत ही स्वीट सा अरोमा ना आने लगे, तब तक पकाना है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है, लहसुन का भी एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है अंदर, ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पालक की प्यूरी, क्योंकि ये जो हमने सारा डाला था ना अदरक, लहसुन, प्याज और वो प्यूरी वो पक चुकी है। अब हमें बारी है कि हम पालक को पकाएंगे अच्छे से। पालक ऑलरेडी पकी हुई है, इसे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर दीजिए और 2 मिनट के लिए इसे हमें ढक करके थोड़ी देर के लिए पका लेना है, जिससे कि क्या होगा कि सब्जियाँ जो है ना जो हमने टमाटर और प्याज डाली है अंदर प्यूरी में उसका टेस्ट ना पालक के टेस्ट के साथ अच्छे से घुल जाएगा। अब इसके अंदर मसाले करेंगे, नमक है, हल्दी है, थोड़ी सी मिर्ची है, गरम मसाला है और धनिया जीरा का पाउडर है, ये सब डाल देंगे और इसे अभी हम मिक्स कर देना है। ये हमारी ग्रेवी जो है ना वो बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 2 चम्मच हम घी ऐड कर रहे हैं, प्योर अगर घर का बनाया घी हो ना वही यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और उसके अंदर जो हमने पनीर मैरिनेट किया था ना वो ऐड कर देना है। पनीर को थोड़ा सा घी के अंदर सौते कर लेते हैं ना तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है और उसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं ना वो बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। तो हमें ग्रेवी में डालने के बाद इसे ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पनीर पक चुका है, इसे हम ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे और साथ में आप चाहे ना तो वो घी जो है ना बचा हुआ वो भी डाल दीजिएगा, उसका भी बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो सारा पनीर भी ऐड हो गया है और ग्रेवी भी बन चुकी है। अब लास्टली बारी है हमारी क्रीम की, तो
तो क्रीम आप पूरा भर भर के डाल दीजिएगा, जितना आपको पसंद हो उतना 2-3 चम्मच डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। क्रीम से ना एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेशनेस आ जाती है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो वो यूज़ कीजिएगा, या फिर आप वो टेट्रापैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमने मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी पालक की जो सब्जी है वो बन चुकी है, बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। थोड़ा सा पनीर डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट के लिए और पका लेना है और फिर हम इसे सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। तो आप लोग ना ये रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मैरिनेटेड पनीर वाली पालक पनीर की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। ठीक है, अभी मैंने ना इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ डाला है, मैंने मतलब मम्मी ने बहुत सारा चीज़ डाल देना है, बहुत ही सुंदर स्वाद आएगा इसका। और आपको अगर चीज़ी सब्ज़ियाँ और चीज़ी थिंग खाने की आदत होगी ना तो सच में ये आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो चीज़ डाल दिया और ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए हमने इसके ऊपर टमाटर ऐड कर दिए हैं, और टमाटर को आप उसके ऊपर चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने गार्निशिंग के लिए ऐड किया था, जैसे रेस्टोरेंट में हमें टमाटर से गार्निश करके देते हैं बिल्कुल वैसे। तो यहाँ हमारा पराठा, टमाटर का सलाद है और साथ में हमारी पालक पनीर चीज़ वाली, सब कुछ रेडी हो चुका है। ट्राई कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो।